अल्पाइन चोटियों की परतों से घिरा पत्नीटॉप जम्मू कश्मीर घाटी का एक खूबसूरत ही हिल स्टेशन है, जो कि जम्मू से 112 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। बर्फ और घाटियों को देखने के शौकीन लोगों के लिए पत्नीटॉप लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित पत्नीटॉप 2024 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जिसके पास से चिनाब नदी बहती है। माना जाता है कि आप जम्मू गए और पत्नीटॉप नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सुंदर पठार और घने जंगलों से घिरा हुआ पत्नीटॉप सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग जैसे स्नो गेम्स सर्दियों में इस पहाड़ी स्थल के आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। पत्नीटॉप कश्मीर घाटी में सबसे अच्छे विकसित पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। इस हिल स्टेशन के प्राकृतिक सौंदर्य, घने देवदार के जंगल और फलते फूलते हरे भरे परिदृश्य पत्नीटॉप को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाते हैं। दोस्तों, पत्नीटॉप में आपको ढेर सारे छोटे बड़े दुकान दिखाई दे सकते हैं, कुछ रेस्टोरेंट भी दिखाई दे सकते हैं, जहाँ पे आप जा करके नाश्ता या डिनर भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, बर्फ की चादर से पूरा घर ढक गया है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पर जो हट है यानी कि जो झोपड़ी है उसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और वहाँ पर स्टे कर सकते हैं पूरी रात के लिए। एडवेंचर स्पोर्ट को पसंद करने वाले लोगों के लिए पत्नीटॉप के पास ट्रैकिंग का विकल्प भी है। वहीं गर्मियों में 9 छेद वाले गोल्फ कोर्स पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पत्नीटॉप में आप अन्य गतिविधियों जैसे गोल्फ, एरो स्पोर्ट, फोटोग्राफी और हॉर्स राइडिंग का भी आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर अगर जम्मू जा रहे हैं तो पत्नीटॉप की यात्रा किए बगैर बिल्कुल भी न लौटें। खास तौर से सर्दियों में यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। दोस्तों, पत्नीटॉप के आसपास का जो क्षेत्र है वह भी काफ़ी लोकप्रिय और घूमने लायक है और मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जिनमें से नत्था टॉप मुख्य है। इसके अलावा माधव टॉप, सनासर झील, नाग मंदिर, बटोट, बुद्ध अमरनाथ मंदिर और इसके अलावा चेनानी नासरी टनल, जो कि पत्नीटॉप सुरंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पत्नीटॉप से सटा हुआ पहाड़ नत्था टॉप है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अल्पाइन के पेड़ है नत्था टॉप पर, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ से जो चारों तरफ का व्यू दिखाई देता है बेहद ही लाजवाब दिखाई देता है। अगर आप पत्नीटॉप जाते हैं, अगर आपके पास समय है तो नत्था टॉप भी ज़रूर जाइए, काफ़ी मज़ेदार जगह है। अगर दोस्तों आप गर्मियों में पत्नीटॉप आते हैं तो यहाँ का जो बर्फ़ है, स्नो है, पूरी तरह से पिघल चुका होता है और यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी बर्फ़ दिखाई नहीं देगा। हो सकता है थोड़ा बहुत नत्था टॉप में बचा हुआ मिले। तो फाइनली दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल एंडलेस जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही ढेर सारे ट्रैवलिंग वीडियोज़ दिखा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए